उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बेशक 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 उसके नाम से इब्तिदा के जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। तू है बेशक सिर्फ तू है कोई कुछ नहीं। सिर्फ उसका राज है ला उसका राज है सिर्फ अल्लाह है। कोई कुछ नहीं किसी का कुछ नहीं। इस कायनात में भी उस कायनात में भी ये कायनात भी वो कायनात भी यहाँ भी मौजूद है अर्श कुर्सी पर भी मौजूद है। कोई कुछ नहीं सिर्फ उसका राज है सिर्फ अल्लाह का राज है। कौन अल्लाह क्या अल्लाह ला हुआ वो ला हुआ वो ला ना मिलके ला हुआ समझ क्या रखा है अल्लाह को जिसको भी चाहा शरीक कर दिया जिसे भी चाहा इसकी जात में मिला दिया। समझ क्या रखा है उस वादा हुदा शरीक को। अरे तू दुनिया में अपना शरीक बर्दाश्त न करे तेरी बीवी शरीक बर्दाश्त न करे। बीवी से घर जाके कहना तू है घर में एक और लाना चाहता हूँ एक और लाना चाहता हूँ। कहेगी मेरी बात सुन लो महल में रहती हूँ झोपड़े में डाल दो जितने भी लिबास है दीन की लिबास है सारे छीन लो फटे पुराने कपड़े दे दो जो भी ऐशो आराम है सारे छीन लो। शौकत बर्दाश्त नहीं अरे शरीक बर्दाश्त नहीं। तू अपना शरीक बर्दाश्त ना करे तेरी बीवी शरीक बर्दाश्त ना करे। क्या समझ रखा है उस खुदा को क्या समझ रखा है वादा हुआ शरीक को। तेरी बीवी शरीक बर्दाश्त नहीं करती वो शरीक बर्दाश्त कर लेगा वो अपना शरीक बर्दाश्त कर लेगा तेरी बीवी बर्दाश्त नहीं करती। अरे अल्लाह है अकेला है यकता है यगाना है अज समझ है। कोई माने तब भी अकेला कोई ना माने तब भी अकेला किसी के मानने ना मानने से उसकी वैधानियत पे असर नहीं आता। कोई उसे अल्लाह माने तब भी अल्लाह ना माने तब भी अल्लाह। कोई उसे यकीना अकेला वाहिद मुश्किल कुशा हाजत रवा वाहिद खुदा माने तब भी वाहिद खुदा ना माने तब भी वाहिद खुदा। वो अल्लाह है जिसने इस कायनात को बनाया है इस कायनात में भी मौजूद है अर्शो कुर्सी पर भी मौजूद है। अरे तू क्या कहता है अरे तू क्या कहता है मेरी नहीं सुनता वो मेरी नहीं सुनता। अरे तेरी नहीं सुनता तो किसकी सुनता है। अरे वो तेरी उस वक्त से सुना करता है जब तू माँ के शिकम में था तू बोल नहीं सकता था तेरे पास खाने के लिए तेरा मुंह नहीं था चीखता है चिल्लाता है ऐ वादा हुआ शरीक तूने पैदा तो कर दिया खाने का कोई जरिया ना बनाया। तो अल्लाह कहता है बंदे परेशान ना हो बंदे परेशान ना हो मैंने मुंह इसलिए नहीं खोला गंदा खून मेरे बंदे के मुंह में जाएगा मेरा बंदा नापाक हो जाएगा। मैंने नाप के जरिए रिजक पहुंचाने का कनेक्शन कर दिया बाहर आता है मां के शिकम से फिर चिल्लाया फिर चीखा अल्लाह खालिक मालिक मेरी नाप काट दी मेरी नाप काट दी रिजक का जरिया बंद कर दिया फिर चीखता है। अल्लाह कहता है बंदे परेशान ना हो बनाया मैंने है जिम्मेदारी भी मेरी है परेशान न हो। देख यहाँ पर नाप को कटवाया है दूध के दो चश्मे जारी कर फिर चीखता है फिर चिल्लाता है कहता है चश्मे बंद कर दिए
खुदा कहता है, अल्लाह कहता है बंदे परेशान ना हो, बनाया मैंने, जिम्मेदारी ली मेरी, तू परेशान क्यों होता है। यहाँ देख, दूध के दो चश्मे बंद किए, वहां पर तेरा मुंह खोल दिया। अरे परेशान क्यों होता है, तू कहता है मेरी नहीं सुनता। अरे तेरी नहीं सुनता तो किसकी सुनता है। अरे तेरी नहीं सुनता तो किसकी सुनता है। तू अल्लाह तबारक व तआला से, तू उस अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उठाई दे। बेशक बेशक, अल्लाह मुझे दौलत चाहिए, अल्लाह खजाने में हाथ डालता है, उठाता है, दे देता है। अल्लाह औलाद चाहिए, उठाई दे दी। ताज चाहिए, उठाया दे दिया। वकार चाहिए, उठाया दे दिया। तख्त चाहिए, उठाई दे दी। बादशाह उठाई दे दी। औलाद उठाई दे दी। इज्जत उठाई दे दी। जो भी उस बार हुरा शरीफ से मांगा, अपने खजाने में हाथ डाला करता है, खजाने में से हाथ को निकाला, जो चीज मांगी अदा करती। कहता है जब मैंने अपने खजाने में देखा, तूने मुझसे मांगी औलाद, तूने मुझसे मांगा वकार, तूने मुझसे मांगी बादशाह, तूने मुझसे मांगी इज्जत। खजाने में कुछ कम नहीं हुआ। जब मैंने देखा, मैंने अपने महबूब को खजाने में से उठाया, मैंने अपने प्यारे लाल, मैंने प्यारे मोहम्मद को अपने खजाने में से उठाया, तुझे दे दिया। जब मैंने खजाने पे निगाह दौड़ाई, जब मैंने खजाने की जानिब देखा, खजाने में सब था, मोहम्मद नहीं था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। खजाने में सब था, तू मुझसे जो मांगता है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने उठाया दे दिया। खजाने पे निगाह दौड़ाई, खजाने में सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। जब मैंने अपने महबूब को उठाया, जब मैंने अपने प्यारे को उठाया, जब मैंने अपने लाडले को उठाया, जब मैंने अपने चहीते को उठाया, जब मैंने अपने सोने को उठाया, जब मैंने अपने महबूब को उठाया, जब मैंने अपने शीरीनी जैसे मीठे मोहम्मद को उठाया, तुझे दे दिया। खजाने पे निगाह दौड़ाई, खजाने में सारा का सारा खजाना बेसी है, जिस खजाने में चीज से रौनक थी वो चीज मोहम्मद नहीं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद नहीं है। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान से पैगाम जो लाया, बेशक कुरान से पैगाम जो लाया वो मोहम्मद। बेशक दुरूद नहीं बेचते, दुनिया का सारा माल तुम पर है, सारी चीजें हैं। अरे कोई तो मुश्किल बैठा होगा, किसी के सर पे तो मुश्किल का घेरा होगा, वो दुरूद भेजे नूरे शख्सो जमीर मोहम्मद, 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 नूर शमशो कमर 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 मोहम्मद। जो मुश्किलों में घिरा हुआ बैठा है, सिर्फ वो आका पर दुरूद भेजेगा। नूर शमशो कमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शमशो कमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शीरी अशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शीरी अशर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा गौसैन मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा गौसैन मोहम्मद।
प्यारे आका को इस दिल में जितनी भी मोहब्बत है किसी की भी हो, अल्लाह कहता है मेरे महबूब से मोहब्बत कर, मेरे महबूब से मोहब्बत कर सबसे ज्यादा, मेरे महबूब से मोहब्बत कर सबसे ज्यादा। अल्लाह सबसे ज्यादा क्यों? वालिद से मोहब्बत करता हूँ तेरे महबूब से भी कर लूंगा, वालदा से मोहब्बत है महबूब से भी करूंगा, यारों से मोहब्बत है तेरे महबूब से भी करूंगा, दोस्तों से मोहब्बत है तेरे महबूब से भी करूंगा, अल्लाह मेरे इस कायनात में सबसे मोहब्बत है उन सब से भी करूंगा, तेरे महबूब से भी करूंगा, अल्लाह कहते हैं सबसे ज्यादा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सबसे ज्यादा मोहब्बत पर महबूब से कर, तू अपनी वालिदा से मोहब्बत करेगा महबूब से करेगा। आप कोई कारोबार शुरू करें आपका गुमान यह होगा एक तरफ मेरी वालिदा की बात, दूसरी तरफ महबूब की बात, वालिद की बात, महबूब की बात, दोस्त की बात, महबूब की बात, औलाद की बात, महबूब की बात, यारों की बात, महबूब की बात, मेरे अजीजों की बात, महबूब की बात। अरे आपका गुमान यह होगा, मैं ये सोचूंगा इधर तो इतने सारे मेरे दुनिया के साथ वाले, इधर एक अकेला महबूब, इसे छोड़कर इनकी जो ना मान लो, अल्लाह कहता है सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत इस दिल में जिसकी भी मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, वालिदा की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है, अजीजों की मोहब्बत है, जिसकी भी मोहब्बत है, जब मेरे आका की, जब मेरे महबूब की, जब मेरे लाल, जब मेरे मोहम्मद की, मेरे मोहम्मद की मोहब्बत की बारी आए, सारी मोहब्बतों को उठाकर एक जानिब रख दे और इस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत को बसा दे, कुरान सफेदा मुझे लाया वो मोहम्मद, कुरान सफेदा मुझे लाया वो मोहम्मद। एक बार दूर जबाल पढ़े ला या हबीब अल्लाह सलाम अलैहि कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उनवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उनवान नजर आया, मादा भया के तवशम से चेहरे, मादा भया के तवशम से चेहरे, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। लोगों एक वो कुरान जो हमारे और आपके घरों में मौजूद है, एक वो कुरान जो मक्का की गलियों में चलता रहा, हम कहते हैं ये कुरान भी आला वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी सच्चा वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी रहमत वो कुरान भी रहमत, ये कुरान भी बरकत वो कुरान भी बरकत, इस कुरान में भी रानाइया, इस कुरान में भी रानाइया, इस कुरान में भी बाप, इस कुरान में भी बाप, लोग फर्क ये इस कुरान की सत्रह का, वाह वाह वाह, लोगों फर्क ये इस कुरान की सत्रह का नहीं उस कुरान की सिलसिले का नहीं, लोगों फर्क ये इस कुरान के पारे हंसे उस कुरान के नजारे हंसे, लोगों फर्क ये मतदद ये तशरीह ये तशरीह ये तफसील ये विलाया ये तारीख, लोगों ये सीना में उतरने वाला, ये सीना में उतरने वाला वो रूह में उतरने वाला, लोगों जो इसे पढ़े वो कारी बने, जो इसे पढ़े सहाबी बने, लोगों ये कुरान रहल की गोद में, ये कुरान रहल की गोद में वो कुरान सिद्दीक की गोद में, ये कुरान भी ना रहब वो कुरान भी ना रहब, ये कुरान भी बेहब वो कुरान भी बेहब, कभी उठती ना कभी बैठ, कभी उठती ना कभी बैठ, कदी उठदिया कदी बहनिया, तुहानू लुत्फ आंदा तो तुहानू बोलना मेरा कोई चकदा नहीं, मैंने कोई गुमान नहीं करता कि तुम्हारे जबरदस्ती नहीं बोला, मैं बोल समझा, तुहानू लुत्फ आए तो बोलो आका की मोहब्बत
मोहब्बत दिल में मिलाई ले तो कदी उठदिया कदी बैठदिया कदी उठदिया कदी बैठदिया उड़ीकदी ठहरदी रहंदिया कदी उठदिया कदी बैठदिया उड़ीकदी ठहरदी रहंदिया उड़े कोई ना कार बिठावा सी उड़े कोई ना नार बढ़ावा सी ऊ लगदी खेकी दा हाड़ा सी ऊ लगदी खेकी दा हाड़ा सी उड़ाची सी लड़ाई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी आखिर विच मके आई सी आके रूह विच पछताई थी ऊ रब दी बड़ी सवारी सरकार बह गई जातियां प्यारे आका के पास कहती आ अब मैं तेनू ले जावांगी एक सोहनी मुख जुड़ावांगी फिर हाथों नाल उठाए फिर सीने नाल लगाया है फिर चांद भी ऊपर चढ़े आए सूरज ने कलमा पढ़े आए दूसरी हली दाइयां आती हैं दाई हलीमा के दरवाजे पे दस्तक दी हलीमा बाहर क्यों नहीं आती जब से ये बच्चा लेकर आई है हमारे साथ भी नहीं जाती हमें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती हलीमा बाहर क्यों नहीं आती तू खाती भी थी क्या है अंदर से दाई हलीमा कहती है ना मैं बाहर आती ना मैं बाहर आती ना मैं बाहर आती ना मैं बाहर आती ना तो हानू शक्ल दिखाती ना मैं बाहर आती ना तो हानू शक्ल दिखाती ना खाती ना पीती ना खाती ना पीती मनु भूख लगे रसूल दौर घूम लेंदे या सरकार ने पूछ लेंदे रसूल दौर घूम लेंदे या सरकार ने पूछ लेंदे या सरकार ने पूछ लेंदे या या के माथे कजाज जहरा या के माथे कजाज जहरा वफा परस्ती की राज जहरा मकाम खून हुसैन ये है करे की जन्नत पे राज जहरा जमाने भर में जो बट रहा है जमाने भर में जो बट रहा है तेरे ही घर का है राज जहरा तेरे ही घर का है राज जहरा जमाने भर में जो बट रहा है तेरे ही घर का है राज जहरा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसाला या रसूल अल्लाह नारे रिसाला या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली जमाने भर में जो बट रहा है तेरे ही घर का है राज जहरा तेरे ही घर का है राज जहरा हजरत फातिमा बिनत रसूल बड़ा आला मकाम आपका आला रुतबा आपका आपके घर का नाच आपके घर का नाच अगर दिल से नहीं मानते तो दिमाग से ही मान लो दिल से नहीं मानते कि हम फातिमा बिनत रसूल आका की प्यारी बेटी आका की लाडली बेटी आका की चहीती बेटी आका की पिबेली बेटी तैयबा दाहिरा वो दाहिरा फातिमा जो जुमले हैं सारे जुमले ले आओ पर फातिमा की शान बयां नहीं कर पाओ बेशक क्या कहने क्या कहने कभी शिकायत नहीं की कि भूखी हूँ कभी वो नहीं रखा कि मुझे पड़ोस वाली के शोहर ने हार ला के दिया है मुझे भी सोने का हार चाहिए अरे तुम्हें ऐसी औरत के घर का नाज मिल रहा है जन्नत की औरतों की सरदार बेशक बेशक हया के बाद एक राज जहरा वफा परस्ती की राज जहरा जमाने भर में जो बन रहा है तेरे ही घर का है राज जहरा वो जो तेरे कदम की मिट्टी लुकमान के सर का है ताज जहरा तेरे शोहर से बुग्ज रखे मरीज है ला इलाज जहरा मरीज है ला इलाज जहरा बुग्ज किससे रखी बुग्ज किससे रखी अली से अली का नाम पढ़ दे या नबी वाले सवा बदन बेशक बेशक सुभान अली अली
अली दुश्मन दे घोड़े नु देशक जय लगा मारा देशक अली दुश्मन दे घोड़े नु देशक जय लगा मारा कदी रोज अगली सर सकदी अली दे कोई गुलाम देशक अपने आप देख लो खुद अपने आप देख लो पहचान अली है आला है जिसकी शान बोजी शान अली है प्यारे आकर अली मेरे बिस्तर पे सो जा अल्लाह अकबर अली मेरे बिस्तर पे सो जा इमाम अली ने सवाल नहीं किया प्यारे बेटा क्यों आप कह जाते हैं इमाम अली लेट गए ऊपर से चादर डाली मैंने सवाल किया और आकर निकल जाते हैं सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर हिजरत वाली रात है दुश्मनों वाली रात है रात में बहुत खतरा है मैं सवाल करता हूँ इमाम अली से हाथ जोड़कर इमाम अली जी आपको तो आका के साथ जाना चाहिए था यहाँ आप बिस्तर पर लेट कर सो गए हिजरत वाली रात थी आका को किसी ने कुछ नुकसान पहुँचा दिया तो इमाम अली कहते हैं या तो लिटाने वाले से पूछ या सुनाने वाले से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पूछ या फिर सुनाने वाले से पूछ बेशक मैंने हाथ जोड़कर उस परवरदिगार से सवाल किया अल्लाह सुभान अल्लाह तेरा महबूब इमाम अली को बिस्तर पर लेटा कर हिजरत वाली रात में सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर गया तुझे तो अली को साथ भेजना चाहिए था प्यारे आका को नुकसान भी तो पहुंचा सकता था तो अल्लाह कहता है सुन मुझे अली का मर्तबा भी बताना है नबी का मर्तबा भी बेशक अली का मर्तबा भी बताना है नबी का मर्तबा भी बताना है अगर उस रात उस वक्त उस घड़ी में मैं अपने महबूब के साथ अली को भी भेज देता तो आज हमारी और तुम्हारी जबानों पर होता प्यारे आका को प्यारे आका हिजरत वाली रात में दुश्मनों वाली रात में सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर जाते हैं तो आका की हिफाजत बेशक बेशक आका की हिफाजत अली ने की ये कहते ना जी जी यही बोलते ना कि आका की हिफाजत अली ने की बेशक अली ने आका को पहुंचाया सिद्दीक अकबर के दरवाजे तक अल्लाह कहता है मैंने अली को सुलाया इसलिए ताकि मेरा महबूब जाएगा सिद्दीक अकबर के दरवाजे तक लोगों की जबान पर होगा अली तो सो रहे थे महबूब अकेले गए थे और महबूब को बचाने वाला महबूब को रक्षा करने वाला महबूब को पनाह देने वाला उसका खालिक है अली नहीं उसका खालिक है अली नहीं बिल्कुल बिल्कुल बेशक बेशक आते हैं कुफारे मुश्रिकीन मुश्रिकीन अंदर आए देखा बिस्तर पर सो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सरदार कहता है नबी है नबी है चादर के नीचे नबी है बिल्कुल पीछे से गुलाम बोल पड़ता है नहीं जी इतने नीचे अली है जी 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 इतने नीचे अली है चादर भी नीचे अली है सरदार फिर आगे से बोलता तो हारू का मालूम मैं सरदार आया था सरदार आ रहा हारू का मालूम मैं सरदार होता हूँ या तू होता है सरदार गुलाम खामोश हो जाता है चादर को हटाया देखा जी अल्लाह अकबर पूछा अली नबी का है बेशक बेशक अली नबी का है तो वो तो चले गए कहाँ गए हैं जहाँ जाना था बेशक कहाँ गए जहाँ जाना था कहाँ जाना था जहाँ गए बेशक कहाँ जाना था जहाँ गए सरदार बोलता है बाहर करो यहाँ पर दाल नहीं करनी अली को गुस्सा आया तलवार निकाल कर खून के चश्मे बहा दिए प्यारे आका वहां से सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर पहुंचते हैं बेशक बेशक सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर दस्तक दी सिद्दीक अकबर ये नहीं पूछते कौन है अल्लाह इसी का दरवाजा मैं सवाल करता हूँ सिद्दीक अकबर जी आपको पूछना चाहिए था दुश्मनों वाली रात है आप पर हमला भी कर सकता था आपको नुकसान भी पहुंचा सकता था आपको पूछना भी चाहिए था कि कौन है तो सिद्दीक अकबर बड़ा प्यारा जवाब देते हैं सिद्दीक अकबर कहते हैं महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सिद्दीक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सिद्दीक न जाने तो कौन जाने कौन जानेगा वहां से रवाना हो जाते हैं प्यारे आका के साथ सिद्दीक अकबर पहाड़ आए दरिया आए गारे आए सारे पार करते हुए पहुंचते हैं सिद्दीक अकबर देखते हैं बेशक प्यारे आका की एड़ी से खून निकल रहा है पैर से खून निकल रहा है
सिद्दीक अकबर कहते हैं आकाश सवारी पर सवार हो जाइए, आकाश सवारी पर सवार हो जाइए। आका ने दाई जाने देखा, आका ने बाई जाने देखा, आका कहते सिद्दीक सवारी तो कोई नहीं, आका कहते ना कोई घोड़ा है ना कोई ऊंट है, सवार किस पर हो जाओ। आका फिर दाई जाने देखते हैं, आका देखते हैं सिद्दीक अकबर झुक गए, आप झुक जाते हैं, कहते हैं सवार हो जाइए। और अब मैं यहाँ पर कहने चला हूँ आका के कंधों पर मोहरे नबूवत सिद्दीक के कंधों पर वजूदे नबूवत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, काम होगा सिद्दीक के घर का। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे क्या मकान होगा सिद्दीक अकबर का? आका का मकान ये कि आका के कंधों पर मोहरे नबूवत है और आका अल्लाह के महबूब हैं। और सिद्दीक का मकान ये, सिद्दीक अकबर का मकान ये कि सिद्दीक अकबर के कंधों पर प्यारे आका का वजूद है। वहां से चल सकते हैं, सिद्दीक अकबर दाखिल होते हैं, आपने सफाई की, सारे सुराखों को बंद किया, अपनी चादर को फाड़ा, सुराखों पर लगा दिया। फिर प्यारे आका को भी बुलाते हैं, देखा एक सुराख रह गया, वहां पर आपने अपनी एड़ी लगा ली और प्यारे आका को अपनी गोद में बिठा लिया। अब आप प्यारे आका के चेहरे को बड़ी गौर से देखते हैं, बड़ी गौर से देखते हैं। मैंने सवाल किया सिद्दीक अकबर जी, आप इतनी गौर से आका को क्यों देख रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं सुन, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और रब अपने कुरान में कहता है वरतिल कुरान तरतीला, बेशक बेशक तहर कर पढ़ा करो। मैं यहाँ पर अपनी गोद में कुरान को कुरान पढ़ रहा हूँ, कभी माता कल कशर पढ़ रहा हूँ, कभी बच्चा पढ़ रहा हूँ, ये रात शीराज शबनम की तराशे, हाय हाय हाय, ये रात शीराज शबनम की तराशे, याकूत की वादी में चमकते हुए, बेशक बेशक, ये रात शीराज शबनम की तराशे, याकूत की वादी में चमकते हुए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, याकूत, सुभान अल्लाह, हीरा होता है, पत्थर होता है, गुलाबी रंग का, याकूत की वादी में, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याकूत की वादी में, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की वादी आका के लब चमकते हुए हीरे आका के दांत, बिल्कुल क्या कहने आका के, वो कुंडल कुंडल जुल्फे, अल्लाह, वो कुंडल कुंडल जुल्फे, वो प्यारा, वो हसीन, वो जमाल, बेशक। अच्छा एक बात है, अल्लाह ने हुसैन बनाया, अल्लाह ने जमाल बनाया। हजरत मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ने हुसैन बनाया, 99 हिस्से किए, एक हिस्सा लिया, उसके दो टुकड़े किए, एक हिस्सा लिया, उसके दो टुकड़े किए, उस एक में से आधा सारी कायनात को तकसीम कर दिया, आधा तो यूसुफ अलैहि सलाम को दे दिया, और वो जो 99 हिस्से थे वो अपने महबूब को दे दिए। और आप अपनी किताब में आगे लिखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जमाल को बनाया, जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सुभान अल्लाह, जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल उठाया और महबूब को दे दिया, सुभान अल्लाह, सारे का सारा जमाल उठाया और महबूब को दे दिया, जितना भी जमाल था उठाया महबूब को दे दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने यूसुफ को देखा उसने कोरे, सुभान अल्लाह, जिसने यूसुफ को देखा उसने कोरे काटे, और कोरे काटे मदहोशी में, बेशक बेशक बेशक, कोरे काटे मदहोशी में, बेशक, मदहोश थे। यूसुफ अलैहि सलाम आ रहे हैं और जो सेब काट रही हैं, आप देखे जा रही हैं, काटे जा रही हैं, औरतें देख रही हैं, अपने पोरों पर छुरी चला दी, सुभान अल्लाह, होश तो नहीं था, मदहोशी में पोरे काटे, और जिसने प्यारे आका को देखा मदहोश थे, होश आया पूरे कट गए, होश आया मदहोश कैसे थे, जहाँ पर भिखारी दे
देख लेते माबूद बना लेते, पत्थर देख लेते तराश कर माबूद बना देते। होश ऐसा आता है, होश ऐसा आता है। जंगलों में जाते हैं, जंगलों में जाकर सदा लगाते हैं, ऐ दरिंदो जंगलों को छोड़ दो, जंगलों से बाहर निकल जाओ मोहम्मद के दीवाने। सुभान अल्लाह। जंगलों से बाहर निकल जाओ मोहम्मद के दीवाने। नारे तकबीर, नारे नारे रिसाला, नारे हैदरी। होश ऐसा आता है, बीच में दरिया आया, घोड़ों की टांगे उठाए, दरिया में डाल दी, दरिया से पार हो जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहने प्यारे आका के, आका तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू कुजा मन कुजा, तू अटल तेरे नफी, तू गिला मैं सिला, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। को नहीं समझे तो यूं समझो, मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं, किथे मेरे अली किथे तेरी सजा। इसे भी नहीं समझे तो यूं समझो, पंजाबी के एक शायर हैं जिन्होंने सैकुल मलूक का कयाम लिखा है, मोहम्मद कहते मैं मोहम्मद ठाकुर लोके, मैं मोहम्मद चोर, मैं मोहम्मद ठाकुर लोके, मैं मोहम्मद चोर, जिदे लोग का गलवा पढ़ते वो मोहम्मद हो रहा है, वो मोहम्मद हो रहा है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।